श्याम का मतलब है खाटू, एक राजस्थान का जगह का नाम है और श्याम भगवान श्री कृष्ण का नाम है। जब महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने, इनका नाम ऐसे बर्बरिक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गई खाटू श्याम बाबार मंदिर। यह मंदिर नगावत आसे और নগাঁৱৰ লক্ষীনগৰত আছে। এই মন্দিৰ দৰ্শন কৰাটো খুবেই ভাল আৰু মনৰ আশা পূৰ্ণ হয় বুলি সকলোৰে বিশ্বাস আছে। গতিকে বলকচোন আমি এই মন্দিৰটো দৰ্শন কৰা, মই গৈ আছোঁ, পামহি এতিয়া। এয়া দেখিছে এই মন্দিৰভাগ কিমান সুন্দৰ, দূৰৰ পৰা এই মন্দিৰভাগ দেখিবলৈ কিমান সুন্দৰ লাগিছে। আৰু এই মন্দিৰটো আছে আপোনাৰ লক্ষীনগৰত আৰু মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গোটেই মন্দিৰটো ভিতৰখিনি বাহিৰখিনি। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব। এই মন্দিৰটো আপোনালোকে যদি নগাঁৱতে থাকি চাবলৈ অহা নাই তেন্তে বৰ দুখৰ কথা। আমাৰ নগাঁৱত ইমান সুন্দৰ এটা মন্দিৰ আছে আৰু যি মন্দিৰত আহিলে আপোনাৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ হয় বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে। গতিকে আহক, যদি আপোনালোকে অহা নাই। এই মন্দিৰভাগৰ যি ডিজাইন আছে সেই ডিজাইনসমূহ ৰাজস্থানৰ যি মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰৰ লগত প্ৰায় একেই। আৰু এই মন্দিৰভাগ চাৰিওফালে মাৰ্বলেৰে গঢ়া। কিমান সুন্দৰ চাওকচোন, কিমান সুন্দৰ কাৰিকৰী এই মন্দিৰৰ। ওপৰতো আপোনালোকে যাব পাৰে, মই দেখুৱাম আপোনালোকক। গতিকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টি। এয়া চাওক ভিতৰখিনি কিমান সুন্দৰ, ইয়াৰ কাৰিকৰী সুন্দৰভাৱে কৰা হৈছে। এয়া হৈছে খাটু শ্যাম বাবা, দৰ্শন কৰিলেই মনৰ আশা পূৰ্ণ হয়। আৰু এই খাটু শ্যাম বাবাৰ চাৰিওদিশে মানুহে পৰিক্ৰমা কৰে, বহুতে 108 বাৰ পৰিক্ৰমা কৰে আৰু মনৰ আশা পূৰ্ণ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আমি কথা পাতিছিলোঁ এই মন্দিৰভাগ যিগৰাকী পূজাৰীয়ে সদায় পূজা কৰি থাকে, আহকচোন আমি তেখেতৰ সৈতে দুআষাৰ কথা পাতোঁ। আমি আহিছোঁ এই খাটু শ্যাম বাবাৰ মন্দিৰত। এই মন্দিৰটোৰ বহুত মহত্ব আছে। ইয়াতে এগৰাকী পূজাৰী আছে, তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতোঁ। নমস্কাৰ। হয়, এই মন্দিৰকে বাৰে মই বলিত ইছকা মহত্ব কিয়া হে? ये खाटू श्याम मंदिर नौगांव में है और असम में शायद ऐसा मंदिर शायद ही है असम में। और खाटू श्याम का मतलब है खाटू, राजस्थान का जगह का नाम है और श्याम भगवान श्री कृष्ण का नाम है। जब महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने, इनका नाम ऐसे बर्बरिक है जो ये भीम के नाती हैं, घटोत्कच के बेटे हैं और इनका नाम है बर्बरिक। तो इनका नाम है बर्बरिक। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो उस समय में ये बहुत कामाख्या माता के साधक किए, बहुत बड़े साधना किए हुए थे। तो साधना के बाद में ये महाभारत युद्ध के लिए निकल पड़े थे। तो उस समय ये रास्ता में भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के रूप लेके उनका परीक्षा लिए थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन हैं। तो भगवान से इन्होंने बताया था कि मैं बर्बरिक हूँ, मैं महाभारत युद्ध के लिए जा रहा हूँ। तो भगवान ने उन्हें पूछा कि आप कैसे युद्ध करेंगे, आपके साथ तो कुछ है ही नहीं, खाली आपके साथ 3 बाण है, आप कैसे इतना बड़ा युद्ध करेंगे। तो उन्होंने बताए थे कि हमारा एक ही बाण से सारा युद्ध हम रस्त कर सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला ऐसे कैसे, आप कुछ प्रमाण दिखाइए। तब उन्होंने एक बाण से पूरे पीपल के पेड़ के पत्ता को छेदा किए थे, जिसमें से भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता को अपने पैर के नीचे दबा रखे थे। तो उस पत्ता को दबाने के बाद वो बाण सीधा घूम के आके भगवान श्री कृष्ण के पाँव के नीचे घूमने लगा। तो उन्होंने बताया कि आप पैर हटा दीजिएगा, आपका पैर के नीचे एक पत्ता है। तो जब इतना होने के बाद भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने पूछे कि आप कौन हैं, कृपया अपना परिचय बताएं, अपना रूप दिखाएं। तो उन्होंने अपना, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दर्शन दिए उनको। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि महाभारत युद्ध के लिए भगवान ने छल करके बोले कि इस युद्ध में 3 लोगों का
बलिदान चाहिए, तीन में से एक लोगों का बलिदान चाहिए, जिसमें से एक श्री कृष्णा, एक अर्जुन और एक बर्बरी। तो बर्बर अर्जुन को तो युद्ध करना था और भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हो गए, तो इन्होंने अपना शीश दान कर इन भगवान श्री कृष्ण को दिए थे। और जो शीश उनको उन्होंने भगवान से एक वचन किया था कि मैं शीश दान दे दूंगा लेकिन मुझे महाभारत युद्ध पूरा सारा देखना है। तो भगवान उन्होंने अपना शीश का भगवान के हाथ में ऐसे कट के दान दिए हैं। इसके बाद में भगवान ने उनको अमृत पिला के अपने शिखर में पहाड़ के ऊपर में रख दिए थे और उन्होंने सारा युद्ध देखे हैं। देखने के बाद फिर पांडवों में चर्चा चलने लगा कि भाई कौन कितना परास्त किया, कौन ने कितना कितने लोगों को मारा है। तो सबने वो बोलता है मैंने इतना मारा, वो बोलता है मैंने इतने मारा। तो भगवान श्री कृष्ण के पास सब चले गए तो उन्होंने उनके साथ में पूछने लगे कि भाई क्या बात है, कौन किसने कितना को मारा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो खाली रथ चला रहा था, मुझे तो पता ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला मुझे तो पता नहीं लेकिन जानने वाला एक व्यक्ति है, वो है वहाँ बैठा हुआ। तो उनको उनके पास गए, ये बर्बरी के पास जहाँ शीश रखा हुआ था। तो उन्होंने उनको पूछने के बाद उन्होंने बताए कि ये मैं तो खाली महाभारत युद्ध में सुदर्शन चक्र ही देखा और कुछ भी नहीं देखा। तो भगवान से ये महाभारत युद्ध, फिर भगवान ने उनको अमृत पान करा के फिर उनको अपना नाम दे के कलयुग में जितना जितना कली बढ़ते जाएगा कलयुग, उतना उतना आपका शक्ति बढ़ते जाएगा, उतना उतना आपका प्रचार प्रसार होते जाएगा, उतना आपको मान्यता बढ़ते जाएगा बोल के उनको कलयुग में उनका मान्यता दे के भगवान के रूप में उन्होंने अपना नाम दिया है श्याम नाम। इसीलिए उनका नाम श्याम है। इनका खाली शीश का पूजा होता है, इनका जहाँ भी देखिएगा आप खाली इनको शीश ही मिलेगा। इसीलिए ये हारे के सहारे हैं। इनके मम्मी ने बताए थे, माँ ने बताए थे कि कोई भी हार के आता है उनको सहारा देना आपको, इसलिए इनका हारे के सहारा खाटू श्याम हमारा बोलते हैं। तो खाटू नरेश की जय। ना ये लोग कहते हैं कि यहाँ पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होते हैं, है ना जी? ये यहाँ पूजा करने से यहाँ मनोकामना सच पूरा होता है, ये सच है। ये एक तो विश्वास होता है, जब आप अपने मन में कोई भी एक चीज़ का संकल्प लेते हैं, कोई एक चीज़ को आप पाने के लिए लक्ष्य लेके चलते हैं ना, तो वो लक्ष्य एक दिन ज़रूर पूरा होता है। और ये तो हमारे भगवान है, जब हम भगवान के आस्था लेके चलते हैं तो उनको वो ज़रूर हम लोगों को एक आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कार्य सिद्ध होता है। और ऐसे साक्षात हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों का मनोकामना पूरा हुआ, हम लोगों को मिला हुआ और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिला हुआ है हम लोग। ऐसे एक अपना आस्था है जिसमें हम भगवान को एक पोशाक पहनाते हैं तो एक मन में खुशी आता है। हम अपने बच्चों को भी अगर हम एक नया ड्रेस उनको बर्थडे में पहनाएं तो एक मन में खुशी होता है कि चलो हमारे बच्चे को हमने इतना अच्छा एक ड्रेस पहनाया। तो ठीक ऐसे ही भगवान को एक हम एक ड्रेस आभूषण पहनाते हैं, उनको श्रृंगार कराते हैं तो एक हमारे जीवन में खुशी आ जाती है। तो इसके लिए भी वो मान्यता है। और ऐसे उनका श्रृंगार अलंकार बहुत होता है, पूरा फूलों से सजाया जाता है इनको, इनको इत्र लगाया जाता है, इनको इत्र बहुत पसंद है। और ये सारे सांडी के हैं ना, ये सारे सांडी के ये छत्तर है और मुकुट है, ये सारे सिंहासन है, ये है, ये हमारा पट है, ये पट भी पूरा सांडी का घर में है। और अभी तिनसुकिया में है, ये दो चार जगह में ही आसाम में जी डिब्रूगढ़ में अभी नया हुआ है। पहले और राजस्थान में कब हुआ था वही? राजस्थान में तो बहुत पुराना है, भगवान का पालक समय से ही पहले राजस्थान में है। और यहाँ अभी तो पूरा भारत वर्ष में सब जगह में हो गया। नौगांव में एक है और नागांव में भी है, गुवाहाटी में दो है, शिवसागर में है, तिनसुकिया में है, डिब्रूगढ़ में है, ऐसे करके बहुत सारे जगह में है अभी। ये मंदिर का तो कितना वर्ष हो गया? ये हमारा 4 साल कंप्लीट हो गया, पांचवा में है। अप्रैल 23 तारीख को 5 साल कंप्लीट हो जाएगा 2022 23 में। हाँ।
ये अखंड जोत ये राजस्थान से लाया गया है ना? जी हाँ, अखंड जोत राजस्थान से लाया गया। और जब पहले ये मंदिर स्थापना हुआ था तभी से अखंड जोत जल रहा है। जल रहा है, और रात भर जगना पड़ता एकदम है, एकदम रात भर जलता रहता है। हाँ, और वो उसमें तो घी देना पड़ता है, वो घी देना पड़ता है। हम देख के हमारा सेवा है भगवान का। हाँ, तो हम लोग जाने मंदिर का पट बंद करने से पहले और मंदिर का खोलने से पहले सबसे पहले हम लोगों को जोत देखना पड़ता है जिसमें भगवान साक्षात रहते हैं। हम लोग कहीं मंदिर में तो अखंड जोत है ही, हम लोग कोई पूजा पाठ भी करते हैं ना, तो भगवान का साक्षी रख के हम लोग अखंड जोत ही जलाते हैं पहले। तो जोत एक बहुत बड़ा महत्व है, जोत को एक भगवान विष्णु के रूप भी बताया गया है, इसलिए कहीं भी हम लोग शुभ कार्य करते हैं तो वहाँ पहले जोत जलाते हैं। हाँ, ये लोग तो ये परिक्रमा कर रहे हैं ना जी। हाँ, ये कितने बार करना पड़ता है? ये अपना अपना श्रद्धा के ऊपर है, जितना सामर्थ्यवान के ऊपर है। ऐसे जो असमर्थ होते हैं वो एक पेरी भी देते हैं, जो सामर्थ्यवान होते हैं ऐसे चार पेरी होता है, उससे जो भी समर्थवान होते हैं वो माला लेके 108 पेरी लगाते हैं, जिससे अपना मनोकामना भी हो, पूर्ण पूर्ति के लिए कोई मन्नत करते हैं कि हम इतने दिन माला फेरेंगे, इतना परिक्रमा देंगे इतने दिन, ऐसा भी कोई एक संकल्प लेके करते हैं। शुक्ल पक्ष एकादशी इनका बहुत बड़ा दिन है, और शुक्ल पक्ष द्वादशी इनका तो बहुत बड़ा दिन है। एकादशी के दिन जागरण होकर कीर्तन कराते हैं, अलंकार करते हैं, व्रत रखते हैं, और द्वादशी के दिन हम लोग जोत लेते हैं भगवान को और आशीर्वाद लेते हैं, खीर पूरे खीर चूरमा का भोग लगाते हैं, जोत लेते हैं बाबा का जी, और व्रत भी करते हैं। कोई ऐसा बार नहीं है जो व्रत करके एकादशी के दिन बाबा के लिए व्रत है। ऐसे कोई भगवान विष्णु का व्रत करें तो गुरुवार के दिन होता है, तो गुरुवार के दिन व्रत कर सकते हैं। प्रिय বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক এই মন্দিৰ ভাগ দেখুৱালো। আৰু ইয়া দেখিছে নাৰিকল বহুতে এনেকে থৈ দিয়ে, বান্ধি থয়, আৰু মনৰ কিবা এটা আশা থাকিলে ইয়াত বান্ধি থয়, আৰু যেতিয়া আপোনাৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ হয় তেতিয়া খুলি দিয়া হয়। আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ ওপৰলৈ, আপোনালোকক মই দেখুৱাম যে ওপৰৰ পৰা কেনেদৰে তললৈ চাই এই মন্দিৰ ভাগ কিমান সুন্দৰ লাগে। বলক তেন্তে আমি গৈ থাকোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম এই মন্দিৰটো ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু ইয়াত কোনো হুলস্থুলৰ পৰিৱেশ নাই, সুন্দৰভাৱে পূজা কৰিব পাৰে। এয়া চাক সকলোৱে পৰিক্ৰমা কৰি আছে। আৰু খটশ্যাম বাবাৰ যি কথা পূজাৰীগৰাকীয়ে ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে, বহুত মহত্ব আছে এই খটশ্যাম বাবাৰ। গতিকে যিসকল ব্যক্তিয়ে নগাঁৱতে থাকি এই মন্দিৰলৈ অহা নাই, নিশ্চয় এপাক আহিব আৰু চাব যে কিমান ভাল লাগে। আজিলৈ ভিডিঅ'টি ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পাৰোঁ তাৰে আশীৰ্বাদ কৰিব, আৰু মোক আগুৱাই যাবলৈ ছাপৰ্ট কৰিব। তো আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব পম্পী প্ৰাপ্তি ক্ৰিয়েশ্যন। ধন্যবাদ।